अपने आप को पुलिसकर्मी बताए यमन के नागरिक के साथ धोखाधड़ी करने वाले तीन इराकी युवकों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में दिख रहे ये तीनों आरोपी हैसिंग रजाई फोर्ड मेरामड हुसैन अब्दुल सलाम है, जो विदेशी लोग देख और अपने आप को पुलिस वाला बताकर उन्हें लूटकर फरार हो जाते थे। बीती 15 जनवरी को भी इन्होंने एक ऐसी ही वारदात को गुरुग्राम में अंजाम दिया। दरअसल गुरुग्राम के सदर थाना क्षेत्र के अंदर एक यमन के व्यक्ति ने शिकायत दी कि वो इलाज के लिए गुरुग्राम आए हुए हैं, और जब वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे तभी ये तीनों युवक उनके पास आ जाते हैं और अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हैं और कहते हैं हमें आप पर शक है कि आपके बैग में ड्रग है, जिसके बाद ये तीनों आरोपी उसका बैग छीनते हैं और बैग में रखे $4,300 लेकर फरार हो जाते हैं। ऐसी ही वारदात को इन तीनों आरोपियों ने दिल्ली में अंजाम दिया, जिसके बाद ये तीनों आरोपी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पूछताछ के दौरान इन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने कबूल किया कि ये गुरुग्राम में भी वारदात को अंजाम दे चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस को इस बाबत मामले की सूचना दी। इस पर कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इनके कब्जे से $5,000 वीजा और पासपोर्ट बरामद किया। ये 15 जनवरी 2023 को एक यमन के नागरिक जो यहाँ पे अपने इलाज के लिए आए हुए थे और वो जो हॉस्पिटल से बाहर जब जा रहे थे तो उनको तीन लोगों ने रोका और उनकी ये कह के कि हम पुलिस ऑफिसर हैं और आपकी तलाशी लेनी है, हमें डाउट है कि आपके पास ड्रग्स हो सकती हैं, और इसके उसमें झांसे में उनको ले करके और उनसे उनका जो बैग था वो लेके उसकी तलाशी के बहाने से उसमें जो $4,300 थे वो उन्होंने छीन लिए और वो अपनी गाड़ी में बैठ के भाग गए, जिसके संबंध में सदर पुलिस स्टेशन में हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें पता चला कि दिल्ली में कुछ लोगों को अरेस्ट किया है दिल्ली पुलिस ने, और उन्होंने हमारे यहाँ की वारदात के बारे में भी कन्फेशन किया है, जो उनसे पूछताछ करके अब हमने उनको अपने इस मुकदमे में गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत रिमांड लेके और उनसे लंबी पूछताछ की गई। इसमें पूछताछ के दौरान पता चला है कि ये लगातार इस तरह की NCR में वारदात करते रहे हैं, और इन तीनों ईरानी लोग हैं ये, और इनके नाम एक का नाम हैसिंग रजाई फोर्ड मेरामद हुसैन और एक अब्दुल सलाम, ये इनके तीनों लोगों के नाम हैं, और कल हम इनको प्रोड्यूस करेंगे और इनकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पूछताछ से हमें उम्मीद है कि इनसे और भी मुकदमों के बारे में खुलासा होने की पूरी पूरी संभावना है, तो गहराई से इनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे अभी हमने $5,000 तथा पासपोर्ट व वीज़ा जो ले जाने की वारदात में अंजाम दिया था उनको भी हमने इसमें कवर किया है और उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन में और भी गहराई से पूछताछ करके जो संबंधित दस्तावेज व जो डॉलर है उनकी बरामदगी के लिए प्रयास किए जाए। हाँ, ये चीज़ पूरी डिटेल से इनके साथ पूछताछ की जा रही है, कुछ क्योंकि बैरिगेट्स भी हैं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि इनकी पूछताछ से और भी कुछ मामलों का खुलासा होगा और वो डिटेल आपके साथ। ये हमारे सेक्टर 32 की वारदात थी है, और उसमें हमारे सदर पुलिस स्टेशन में जो है ना मुकदमा दर्ज था, और भी एक वारदात इन्होंने की थी उसमें भी हमने इनसे पूछताछ की है, और अभी और उम्मीद है हमें और भी मामलों में इनकी संलिप्तता है तो उसके बारे में आगे कार्रवाई की जाए। ये सिविल में ही होते थे और अपने आप को पुलिस ऑफिसर बता के उनको और इस तरह से डराते थे कि हम पुलिस वाले हैं, जबकि इनका पुलिस से कोई लेना देना नहीं था, ये विदेशी नागरिक हैं और टेम्परेरी वीज़ा पे ही यहाँ आते हैं और इस तरह की वारदात करके, और इनका जो तरीका वारदात है वो ये है कि भी फिर ये वापस भाग जाते हैं इस तरह की चीज़ें कर। जैसा कि मैंने बताया ईरान के रहने वाले नहीं, ये दिल्ली में स्टे करते थे और वहाँ से यहाँ वारदात करने के लिए आते। ये उनसे उनकी जो भाषा जो वो समझते थे उसी भाषा का इस्तेमाल करते थे और इसीलिए ये उनको ठग पाने में सफल है। गुरुग्राम पुलिस को शक है कि इन्होंने और भी कई वारदातों को अंजाम दिया है, जिसके चलते तीनों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी पुलिस ने शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।